उससे के पश्चिमी एकाजान इलाके में मंगलवार को एक 42 साल पुरानी गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यह रूसी पाइपलाइन यूक्रेन से होते हुए यूरोप के कई देशों को गैस सप्लाई करती है। इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ब्लास्ट मेंटेनेंस का काम करते वक्त हुआ और लोकल अधिकारियों के मुताबिक ब्लास्ट से लगी आग पर अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। यह गैस पाइपलाइन पश्चिमी यूरोप में एनर्जी की सप्लाई के लिए काफ़ी अहम मानी जाती है, जो यूक्रेन में सुझा पॉइंट के से अंदर जाती है और रूस से यूरोप में गैस पहुंचाने का फिलहाल यह एक मुख्य रास्ता है। रूस के कजान क्षेत्र में यह पाइपलाइन 1980 में बनी थी, जो कि पश्चिमी यूरोप में गैस पाइपलाइन सप्लाई करने के लिए अहम मानी जाती है। गैस सप्लाई कंपनी गैजप्रोम ने ब्लास्ट को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आज ही गैजप्रोम ने कहा था कि यूक्रेन से यूरोप पहुंचाई जाने वाली गैस की जो पाइपलाइन है वो 43 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंचाने वाली है।